Guys, welcome back to Sandwich Life with Falguni. After a long time, we are vlogging after a long time. Hey, जाम वापस जाम एक बार पहले भी जा चुके हैं. बट हम इंदौर में हैं तो वी डोंट हैव मच ऑप्शन. हम जा रहे हैं स्नो सिटी. वाह, हम दोनों का साथ साथ हो गया ऐसे बोलना. हम प्रोफेशनल ब्लॉगर हो चुके हैं ब्लॉगिंग नहीं कर करके. मैं की तैयारी शुरू. So this is our first visit with Shomi in Snow City, and as a family this is our second visit here. So we are hoping to enjoy a lot. Time in Snow City, super excited. तो यहाँ पे हम सब लोग वेट कर रहे थे कि भाई द्वार खुलेंगे और हम लोग अंदर जाएंगे. स्नो सिटी में जाने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत लगी, क्योंकि अभी समर सीजन है, इट इज़ लाइक फुल ऑन हॉट ह्यूमिड वेदर. थोड़ा सा टाइम लगा हमको वो ठंड को एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई ठंड हो रही है, क्योंकि शुरू में वी वर फीलिंग वेरी नॉर्मल एंड वी वर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड इन द कोल्ड वेदर ऑफ स्नो सिटी. बट धीरे धीरे वो ठंड हमें लगनी शुरू हुई एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग इट अ लॉट. फिर वो नहीं खिसकेगी. यहाँ पे दोनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए. सब लोगों ने एक दूसरे को वो स्नो कार्ट में बिठा बिठा के बहुत देर तक इधर उधर घुमाया. जॉय था तो फिर हमें और भी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं भी बैठ गई थी और मैंने भी जॉय से कहा था कि यार थोड़ा सा तो ऐसे झूले वूले दिलवा दो, इधर उधर घुमा दो हमारे कार्ट को. तो बहुत ज़्यादा फन था. हालांकि जॉय को बिठा के आई गेस हमने से कोई भी नहीं खींच पाया. तो यहाँ पे ये रोप का वो पूरा लगा हुआ था जिस पे चढ़ना था. लास्ट टाइम मैंने इसे स्किप कर दिया था, पर इस वक्त तो इस बार मैंने इसको पक्के से मैं चढ़ गई. और मैं सोचा ही था कुछ भी करूँगी मैं ट्राई करूँगी पक्का. और आपको ये सारे वीडियोस ना वर्टिकल में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये जॉय ने खींचे हैं, और जो इंसान व्लॉग नहीं करता उसको ध्यान नहीं रहता कि वो वर्टिकल लेना है कि हॉरिजॉन्टल, इसलिए आप लोगों को सब ऐसा दिख रहा है. और मैं चल रही थी, बहुत ज़्यादा वो हिल रहा था, डर भी लग रहा था, बीच में अटक भी जा रही थी. मुझे ऐसा लग रहा था मैं वेट की वजह से फट के नीचे ही ना गिर जाए, बट थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं. वो देखो, मैं ऊपर जाने के बाद मैं उससे दूसरी तरफ जंप करने के लिए भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा. वो बच्चा पीछे आ रहा था, वो भी हंस रहा था, बट एनीवेज कोई बात नहीं, करते रहना चाहिए अपना काम. तो इन स्लाइड्स में हमने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया ना कि एक एक बार हो गया, हम वापस अपने उस कार्ट को लेके वापस ऊपर चले गए. सबको अपना अपना कार्ट खुद ही लाना था, मतलब नीचे रखे हुए थे वो आपको खुद ही लेके जाना है, इसके लिए कोई अलग से पे नहीं करना. और ये रुद्राक्ष ने वहाँ पे दो तीन अलग अलग तरह के स्लाइड्स थे, वो सब कुछ वो बार बार रिपीटेड मोड में कर रहा था. फोन कौन पर करता है, किसका फोन है? मैं तो वीडियो ले रही थी. इन सीढ़ियां बहुत स्लिपरी है, पर रूडू पहुंच गया ऊपर. लग रहा था वो चला गया. तो यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा छोटा सा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जस्ट ए फेक बिल्डिंग जिसके ऊपर आप चढ़ सकते हो. ऐसा लगेगा कि आप मनाली के किसी होटल में खड़े हो. और वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए चले गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड हो गया था, इतना ज़्यादा कि रुद्राक्ष पूरा जाम हो चुका था. और यहाँ पे वो वार्म अप कर रहा है और हम उसे अलग अलग तरीके बता रहे हैं ताकि उसकी बॉडी वापस एक्टिवेट हो. अब थोड़ी देर गर्मी आएगी, बॉडी हिलेगी ना. वेरी गुड रुडू.
इनके ग्रुप को ना इंदौर का बाहर का क्लाइमेट इतना अच्छा लगता होगा। हाँ बोले ऐसी गर्मी हो रही है। ये कौन किसको खींच रहा है? शोमी रुद्राक्ष को। क्या हुआ? जब बर्फ में खींचो ना किसी को तब पता चलता है कितना जोर लगता है। मतलब हमसे रुद्राक्ष जैसे हल्के इंसान को भी खींचने में मेरे और शोमी की बैंड बज गई थी। मैं बैठूं? खींच नहीं हो पाएगा वैसे। रुडू की मुझे खींचने की नाकामयाब कोशिश। ओए इसका जूम बहुत ज्यादा है। और इसी खींचतान के साथ हमारा ये व्लॉग खत्म हो रहा है। एज आई प्रॉमिस कि थोड़े बहुत व्लॉग्स तो डेफिनेटली आएंगे। छुट्टियां हैं, हम कुछ तो कोशिश करेंगे इन्जॉय करने की। हाँ, फॉर एवरीवन टू नो, रुद्राक्ष की तबीयत अब काफ़ी हद तक बेहतर है। हम बाहर थोड़ा बहुत घूम रहे हैं वीक में एक आध बार। कोशिश करके खाना हम घर पे खाते हैं। बट हाँ, अभी उसने बहनों से प्रॉमिस किया है कि हम नेक्स्ट उसे कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत खाने के लिए लेके जाएंगे। लेट्स सी, अगर हो पाएगा तो व्लॉग डेफिनेटली करूँगी। सी इन द अदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।